और इंडोनेशिया के बाली में पकड़े गए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भारत लाने की तैयारियां जोरों पर है। बताया जा रहा है कि छोटा राजन को वापस लाने के लिए सीबीआई की एक विशेष टीम भेजी जाएगी। इस टीम में मुंबई क्राइम ब्रांच के कुछ अफसर भी शामिल होंगे। मुंबई पुलिस का कहना है कि केंद्र सरकार ने उससे छोटा राजन पर डॉजियर भी मांगा है। इस बीच इंडोनेशिया में छोटा राजन में भारत आने की भी इच्छा जताई है। छोटा राजन ने IBN 7 से कहा कि वो बाली में खुश नहीं और भारत आना चाहता है। साथ ही छोटा राजन ने उन खबरों को भी गलत बताया जिसमें उसके जिम्बाब्वे जाने की बात सामने आ रही थी। छोटा राजन ने IBN 7 से कहा कि वो कभी भी जिम्बाब्वे नहीं जाना चाहता था। आपने सरेंडर किया है और वहीं छोटा राजन से जुड़ी पल पल की जानकारी देने के लिए IBN 7 मौजूद है बाली में। बात करते हैं बाली में मौजूद IBN 7 संवाददाता अरुणोदय से। अरुणोदय, कैसे तैयारियां हैं और भारत सरकार की राजन को भारत लाने के लिए इस वक्त क्या खबर है आपके पास? छोटा राजन को यहाँ पकड़े हुए तकरीबन 4 दिन हो गए हैं और सूत्रों के हवाले से ये खबर हम लोगों को मिली है IBN 7 को कि CBI की एक टीम जिसमें हो सकता है मुंबई पुलिस की भी कई अफसर मौजूद हों वो इंडोनेशिया जल्द आ सकती है। आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी वो संभालने के लिए यहाँ के आला अफसरों से बातचीत होगी, लेकिन अभी जो एक्शन है वो ज़्यादा हिंदुस्तान में नज़र आ रहा है, बॉम्बे में, जहाँ पर छोटा राजन के खिलाफ एक डोसियर की तैयारी चल रही है। उसके खिलाफ जो तमाम केसेस हैं उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है अंग्रेज़ी में मराठी से और उसको फिर डोसियर में ऐड किया जाएगा, फिर वो डोसियर मिनिस्ट्री को जाएगा, मिनिस्ट्री से ये कम्युनिकेशन इंडोनेशिया को आएगा। ये है जो औपचारिक तौर पे जो प्रतिक्रिया इनको फॉलो करनी है उसके बारे में अभी जो है अफसर हमको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंडोनेशियन अफसर हैं वो इसके अलावा कुछ नहीं कह रहे हैं। वो सिर्फ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से हमारी अपेक्षा है कि कोई वहाँ से कोई अधिकारी आए और इस बात को आगे बढ़ाए। छोटा राजन आज ही दोबारा मेडिकल चेकअप के लिए गए थे अभी थोड़ी देर पहले, जहाँ पे उनसे कुछ बातचीत भी हुई और वो कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान जाना चाहते हैं और यहाँ से वो कहीं और नहीं जाना चाहते, और ये भी कहा कि यहाँ पे इंडोनेशिया में जहाँ पे उनको रखा गया वो यहाँ पे खुश नहीं है और वो जल्दी हिंदुस्तान लौटना चाहते हैं।